शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। ये भूल जाइए कि वर्दली का बेटा है और सिपाही का काम है लड़ना। तुमने आज हमारी मुश्किल आसान कर दी, परसों करण ऑफिसर बन जाएगा। तुम्हारी आंख पे तिनका गिरे तो मेरी आंख तड़प उठती है। खोल डाल कर्नल की ये फाइल। अंधेरे में बैठे हैं साहब जी, मैं चराग जला देता हूं। तुम्हारे जलाए हुए चिराग ने तो हमें राख कर दिया। अब अंधेरा हो या रोशनी, क्या फर्क पड़ता है। अचानक ही सारी छावनी की लाइट चली गई साहब जी। मौसम बहुत खराब है, लगता है बहुत भयंकर तूफान आने वाला है। बाहर जो तूफान आने वाला है उसे तो तुम देख सकते हो भगत सिंह, मगर मेरे दिल के अंदर जो तूफान उठ रहा है उसे नहीं देख सकते। महसूस कर सकता हूं साहब जी, जो कुछ रेस के मैदान में हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। लेकिन साहब जी, आपको याद है जब मैंने अपने बेटे का रिजल्ट आपको दिखाया था तो आपने कहा था कितना लायक लड़का है। अगर साहब जी आप करण की औकात को भूल जाइए, ये भूल जाइए कि वर्दली का बेटा है, अगर आप सिर्फ उसकी लियाकत पर ध्यान दें तो मेरा ख्याल है साहब जी उन दोनों बच्चों के प्यार में खड़ी हर दीवार गिर जाएगी। और साहब जी, मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझूंगा, प्रिया बेटी मेरे घर में मेरी बहू बनकर आए। हमारे तलवे चाटते चाटते तू हमारी इज्जत को भी चाट जाना चाहता है। हरामजादे, अपने बेटे को चार क्लास क्या पढ़ा लिया, अपनी औकात भूख के हमारी बराबरी करने लगा। तेरी औकात तो हमारी तहरीर पे रखे हुए पायदान से ज्यादा नहीं, इसमें सिर्फ धूल साफ की जाती है। अभी तक तो वो ऑफिसर नहीं बना, तब यह आलम है जिस दिन वो ऑफिसर बन जाएगा तू तो हम पे हुकूमत चलाने लगेगा। मगर भूल हमारी थी, काश के हम उसे भर्ती न करते। नाउ गेट आउट ऑफ हियर। साहब जी, गेट आउट भगत सिंह। आज जिंदगी में पहली बार अफसोस हो रहा है यार, काश मैं भी पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बना होता, मेरी हैसियत भी उस कर्नल के बराबर होती तो वो प्यार का दुश्मन मुझे अपने घर से धक्के मारकर बाहर नहीं निकालता। और एक मजबूर बाप कभी हाथ जोड़कर अपने बेटे से ये नहीं कहता उसे भूल जा यार, प्लीज डू नॉट। अरे जो पढ़ा लिखा ही नहीं है तो अंग्रेजी बोल बोल कर क्यों अपने दिल को तसल्ली देता है भगत सिंह। करण सर, इसमें भी कोई शक नहीं कि भगत सिंह ने तुम्हारे सामने जो हाथ जोड़े इसमें तुम्हारी भलाई है, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि जिस प्यार का ऐलान लड़की ने दुनिया वालों के सामने किया है वो प्यार बदनाम हो जाए। करण, तुम एक सिपाही हो और सिपाही का काम है लड़ना, चाहे वो जंग का मैदान हो या इश्क का। पकड़। आपने मुझे बुलाया सर? हाँ, बैठो। सर, काश के हमने तुम्हारी शिकायत सुन ली होती और उस सपोलिए करण का सर कुचल दिया होता तो उसमें आज इतनी जुर्रत न होती कि वो हमें डसे। तुम ये करो राठौर कि तुम उसके खिलाफ एक और कंप्लेंट लिख दो, हम उसे फौरन निकाल देंगे। सॉरी सर, आई कांट डू दैट। व्हाट? तुम्हें मालूम है कि तुम किससे बात कर रहे हो? सर, आपने कल मुझे एहसास करवाया था कि मैं एक उसूल पसंद इंसान हूं। अब आप ये बताइए कि भला मैं अपने उसूलों को अपने हाथों से कैसे आग लगा लूं सर? हाउ? बट दिस इज एन ऑर्डर। आई एम सॉरी सर, मैं उस होनहार बच्चे के करियर के साथ खिलवाड़ फकत इस वजह से नहीं कर सकता क्योंकि आपकी बेटी के साथ प्यार करता है, बल्कि आपकी बेटी भी उससे प्यार करती है सर। हाउ डेयर यू? सर, मैं तो आपको बड़ा उसूल पसंद इंसान समझता था,
इतने बड़े इंसान के उसूल सिर्फ अपनी बेटी के लिए डगमगा गए? एक बच्चे के फ्यूचर के साथ आप खिलवाड़ करेंगे? आपसे ये उम्मीद नहीं थी सर। Shut up and get the hell out of here! सर ये आपको, हम सब की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपकी हमें बहुत याद आएगी। हमें भी आप लोगों की बहुत याद आती रहेगी। दरअसल नौकरी इंसान के लिए एक माशूक की तरह होती है, और आज इस माशूक से अलग होकर कुछ ऐसा लग रहा है, दिल की लगी कुछ ऐसी लगी, हम दिल ही गंवा बैठे, दिल का लगाना क्या हुआ, एक रोग लगा बैठे। अम्मा आपको तो शेर पढ़ना भी नहीं आता, शेर कैसे पढ़ते? मैं पढ़ के सुनाऊं? सुनाइए। 13.5 साल का एक्सपीरियंस है मुझे। अब मैं समझा तेरे रुखसार पे तिल का मतलब, अब मैं समझा तेरे रुखसार पे तिल का मतलब, तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय। दूसरा शेर अर्ज करता हूँ। खुशबू से तेरे बदन की दीवाने हुए लड़के तमाम, खुशबू से तेरे बदन की दीवाने हुए लड़के तमाम, जरूर उन जगहों पे तुम लगाती होगी हमाम। पजामे ने कहा धोती से, पजामे ने कहा धोती से, बने हम दोनों एक धागे। पजामे ने कहा धोती से, बने हम दोनों एक धागे से, फर्क अगर है हम में तो सिर्फ इतना, तू खुलती पीछे से, मैं आगे से। ये बेड तुम्हारा है? यस सर। मतलब ये कि जो खबर मिली थी वो ठीक थी? बाप तुम्हारा तुम्हें ऑफिसर बनाने के ख्वाब देखता है, और तुम हो कि सिगरेट में चरस पीने लगे? हैं? क्यों पीते हो कि नहीं? नो सर। इतनी जलील हरकत। नो सर। शट योर माउथ। मैं अभी अभी तुम्हें कोर्ट गार्ड में बंद करवा रहा हूँ, एंड आई विल सी टू इट कि तुम यहां से निकाले जाओ। Excuse me, sir. ये सिगरेट मेरे हैं सर। ये सिगरेट मेरे हैं सर। ये सिगरेट मेरे हैं सर। मेरे हैं। मेरे हैं। मेरे हैं। Good night, everybody. Thank you.
दस भरे सिगरेट किसने रखे थे? मैंने। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विक्रम पे हाथ उठाने की? अब तुम पिट्ठू लगाकर और राइफल उठाकर सारी रात और कल सारे दिन चक्कर लगाओगी यहाँ का, समझे? लेकिन सर जी, सरासर ज्यादती है, ये जुल्म है, आप गलत काम कर रहे हैं सर। हम क्या कर रहे हैं वो हमें मालूम है, तुम्हें हमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं। जाने दीजिए सर, लिखा मंजूर किस्मत में खुदा को याद क्या करना, जहां बेदर्द हाकिम हो वहां पर याद क्या करना। कलेजा किस बेरहमी से नोचा है आपने? अरे बाहर आइए साहब जी, ये क्या शोर मचा रखा है तूने? क्या बदतर हालत कर दी आपने मेरे बेटे की? अरे किस गुनाह की सजा दी है इसे आपने? इसका गुनाह तू अच्छी तरह जानता है। इसका गुनाह ये है कि एक अर्दली का बेटा कर्नल की बेटी से प्यार कर बैठा। अगर अर्दली का बेटा होना जुर्म है तो इसकी सजा इसे नहीं, इस अर्दली को मिलनी चाहिए, इस अर्दली को। अगर प्यार करने की सजा ये है तो इस अकेले को क्यों? अरे प्यार करने का गुनाह तो आपकी बेटी ने भी किया है। खामोश और खबरदार, अगर तूने मेरी बेटी का जिक्र भी अपनी जबान पर लाया तो क्यों? इज्जत चली जाएगी आपकी, और यहां मेरे बेटे की जान चली जाए उसका कुछ नहीं। अरे अगर आपकी बेटी ने हाथ न बढ़ाया होता तो अपनी औकात से बाहर झांकने की इसकी हिम्मत नहीं होती। मेरी बेटी पे इल्जाम लगाना बंद कर और दफा हो जाए यहां से। और हां, इसको समझा देना कि अगर ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो अंजाम इससे भी बुरा होगा। उसी अंजाम का डर तो मुझे यहां खींच लाया है साहब जी। मैं आज हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं, निकाल दीजिए इसे, निकाल दीजिए। मैंने ये सपना जरूर देखा था साहब जी कि मेरा बेटा अफसर बने और उसे सल्यूट करूं साहब जी, पर ये सपना कभी नहीं देखा था कि अपने जवान बेटे की अर्थी अपने कंधे पर उठाऊं। ये सपना कभी नहीं देखा था साहब जी, ये सपना कभी नहीं देखा था। गुड इवनिंग सर। सर ये मेरा इस्तीफा है, और ये इस्तीफा इसलिए है क्योंकि मैं अपने कैडेट करण को आपके जुर्म से बचाकर अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं सका। गुड, हम तो खुद सोच रहे थे कि हमारे फर्ज और हमारे दरमियान ये जो दीवार तुमने बनाने की कोशिश की है उसको हम कैसे हटाएं। तुमने आज हमारी मुश्किल आसान कर दी। ये क्या बकवास है सर? इसमें मैंने ये भी लिख दिया है कि करण जैसे होनहार लड़के का करियर आप फकत इसलिए तबाह करना चाहते हैं क्योंकि आपकी लड़की उस लड़के से बेहद प्यार करती है।
अब मैं इस तबाही को नहीं देख सकूंगा, इसलिए इस्तीफा। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि मैं ये मंजूर नहीं कर सकता। अगर आपने इस्तीफा मंजूर नहीं किया तो आप बहुत पछताएंगे सर, क्योंकि मेरे रहते हुए दुनिया की कोई ताकत करण को ऑफिसर बनने से रोक नहीं सकती। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, परसों करण ऑफिसर बन जाएगा। गुड नाइट सर। तूने आज इस गरीब की सुन ली प्रभु, आज मेरे जीवन का सपना साकार होने जा रहा है। तेरा लाख लाख शुक्र है। पापा, ये क्या पापा, आशीर्वाद देने की जगह बेटे की तरफ पीठ कर ली। कहते हैं अपनों की नजर बड़ी जल्दी लगती है यार, कहीं मेरी हसरतों को मेरी ही नजर न लग जाए। मुझे तो सिर्फ आपका आशीर्वाद और आपकी दुआएं लग सकती हैं, क्योंकि यार को यार की नजर नहीं लगती। अरे यार, अपने यारों के पांव नहीं छूते मेरे यार, यार तो सीने से लगते हैं। पापा, अरे भगवान तुझे इतने ऊंचे ओहदे पर पहुंचाए कि दुनिया की हर ऊंचाई तेरे सामने नीची हो जाए। बेटे देख, दिल का बहम नहीं जाता, तेरी नजर उतार दूं। वाह वाह वाह, क्या तरीका है नजर उतारने का। अरे तुम्हें तो नजर उतारना भी नहीं आता भगत सिंह। साहब, नजर कैसे उतारते हैं मैं बताऊं? 15 साल का एक्सपीरियंस है नजर उतारने का। देखो, मुकम करोति वाचालम पंगुम लंगे थे गिरी यत्कुपातम हमंदे परमानंद माधवम, ऐसे उतारते हैं नजर। तुम्हारी भी उतार दूं? मुझ नजर बट्टू की क्या नजर उतारेंगे साहब। पापा, ये जो मुझे ऑफिसर का तमगा मिलने जा रहा है, ये तमगा नहीं राठौर साहब की मेहरबानियों का नतीजा है, इसलिए मैं ऑफिसर बनने से पहले उनका आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। तू ठीक कहता है बेटे, मेहरबान की मेहरबानियां याद रखना ही सबसे बड़ी वफादारी है। तू जा उनका आशीर्वाद लेकर आ और मैं लड्डू लेकर आता हूँ। सब लड्डू मांगेंगे ना। सब भगत सिंह, मैं तुम्हें डिसमिस कर दूंगा। क्यों सर? तुमने लड्डू बनाने का ऑर्डर किसी और को दे दिया? मैं समझा नहीं। 15 साल का एक्सपीरियंस है मुझे हलवाईगिरी का, मुझसे बेटर लड्डू हिंदुस्तान में कोई बनाता नहीं। मैं जो लड्डू बनाता हूँ वो लड्डू लोग खाते हैं, एक बार खाते हैं और बार। ये क्या हो रहा है तुम्हें? सब वो आपका एक्सपीरियंस सुन के चक्कर सा आ गया था। तुम्हें तो चक्कर भी ठीक से नहीं आता। चक्कर कैसे आते हैं मैं दिखाऊं? 30 साल से चक्कर खा रहा हूं। यस, उबड़ा सर, मैं तो समझा था कि तुम हमें भूल गए हो। मैं आपको कैसे भूल सकता हूं सर? यही तो गड़बड़ है। कर्नल पर अटैक करवा कर तुम्हारे हाथों अपने 10 आदमी मरवा कर हमने तुम्हें कर्नल की गोद में बिठा दिया, नतीजा क्या हुआ? गड़बड़। कोई गड़बड़ नहीं है सर। 50 लाख रुपए के लिए इस देश को क्या, मैं अपनी मां तक को बेच सकता हूँ। आप रुपए तैयार रखिए, अब वो वक्त दूर नहीं है। जैसे ही मैं ऑफिसर बना, इस देश के सीक्रेट्स मेरे उतने ही करीब आ जाएंगे जितने इस वक्त मुझसे दूर है। फोन रखता हूँ सर। रामजादे गद्दार, मेरा भतीजा होकर तू वतन का सौदा करता है? तू अपनी मां को भी बेच सकता है? जिंदगी भर जेल में कुत्ते की तरह सड़ूंगा, कुत्ते की तरह। एंड आई ब्लडी वेल मीन इट। सर,
सर क्या हुआ सर? सर खून खून, अरे बचाओ, अरे करण ने खून कर दिया, करण ने ऑफिसर राठौर का खून कर दिया, जाओ जाओ चल। सर 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 जल्दी, सर जल्दी आइए, सर 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 करण सिंह ने ऑफिसर राठौर का खून कर दिया। सर सर मैंने ये खून नहीं किया सर, मैं तो राठौर साहब का आशीर्वाद लेने आया था। तुम्हारे सिवा कोई ये खून कर ही नहीं सकता। नहीं सर, मैंने ये खून नहीं किया सर। करण करण करण, ये सब ये तूने सब जी, मुझे आपकी कसम है पापा, ये खून मैंने नहीं किया। सब जी, जो बेटा अपने बाप की हसरत पूरी करने के लिए जिंदगी दांव पर लगा सकता है, वो बाप की झूठी कसम नहीं खा सकता। साहब जी, मेरी आपसे एक विनती है, इससे पहले कि अस्पताल में राठौर साहब के साथ कोई अनहोनी हो जाए, आप करण को अस्पताल ले चलिए। हो सकता है राठौर साहब को होश आ जाए और करण की बेगुनाही का सबूत दे दें। मेरी बात मान लीजिए, मान लीजिए साहब जी। ओके भगत सिंह, ओके। आंखें खोलिए सर, आंखें खोलिए और इन्हें बताइए करण बेकसूर है। आपको भगवान समझने वाला आपके खून से हाथ नहीं रंग सकता सर। बोलिए सर, बोलिए, आंखें खोलिए। नहीं बताइए आंखें खोलिए। मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं करण सिंह। करण रुक जा, रुक जा, करण रुक जा, भाग मत। अरे हम कोर्ट कचहरी जाएंगे, हमें इंसाफ मिलेगा, रुक जा। अगर भाग गया तो मुजरिम करार कर दिया जाएगा। मैं जीऊंगी भी तो करण के साथ और मरूंगी भी तो करण के साथ।
वाह 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 प्रिया बेटी वाह, आज इस कलेजे को ठंडक पहुंची। लोग यूं ही कहते हैं कि लैला मजनू और शिरी फरहाद के साथ इस दुनिया से प्यार खत्म हो गया, मगर नहीं, जब तक इस दुनिया में तुम जैसे प्यार करने वाले और तुम जैसे आशिक जिंदा हैं, प्यार कभी खत्म नहीं हो सकता। कर्नल मेरा शेमोनी, हमारी औलाद को हमारे सामने भड़का रहे हैं आप। ये क्या इंसानियत है कि एक घर में लगी हुई आग को बुझाने की बजाय आप उस पर तेल डाल रहे हैं। प्लीज गेट आउट ऑफ हियर। एक्सक्यूज मी सर, आपको तो डांटना भी नहीं आता। कैसे डांटते, मैं डांट के बताऊं? 15 साल का एक्सपीरियंस है मुझे। That's quite enough, मेरा। That's not enough, sir. इंसानियत के नाम पे आप कलंक हैं। आपके सीने में बाप का दिल है या पत्थर? Stop it, I won't stop it. हैवान भी अपनी औलाद को हैवाने से बचाता है। आप तो इंसान है, लेकिन आपने इंसानियत में भी जहर घोल दिया है। इससे पहले मुझे आपको सर कहते हुए मेरा सर फक्र से ऊपर उठता था, लेकिन अब आपको सर कहते हुए मेरा सर शर्म से झुक जाता है। Shut up! You shut up, कर्नल चौधरी! Shut up! सर, डांटना इसे कहते हैं। गुड नाइट। ये हो अर्दली, देख लिया ना, 100 सोनार की और 1 लोहार की। गाड़ दिया ना तेरा कीला, ऐसे गाड़ते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि राठौर का खून करण ने किया है। अब तुम उसे ये खून कबूल करवा लो और उससे एक बयान दे दो। एंड गेट इट इन राइटिंग। पकड़ इस कलम को और साइन कर इस बयान पर। साइन कर। हरगिज नहीं, जब खूनी ने किया तो बयान पे साइन क्यों करूं? ऐसी बात है, हाँ? ये बात है, तू साइन नहीं करेगा, तू साइन नहीं करेगा। नहीं। ठीक है। कैप्टन भीम सिंह रिपोर्टिंग सर। हाँ बोलो भीम सिंह। करण लॉकअप से भाग निकला सर, और भागते हुए 1000 फुट गहरी एक खाई में गिर गया जहाँ से कोई वापस नहीं आ सकता। चलो किस्सा ही खत्म हो गया, उसे अपने किए की सजा खुद ही मिल गई।
अगर इसे बचाना चाहते हो तो रोको मुझे, रोको, रोको मुझे, हट जाओ, आओ, आओ, रोको, रोको मुझे। राठौड़ साहब का खून किसने किया? किसने किया राठौड़ साहब का खून? बोल। आरामजादे, तूने मुझे ये आग का रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर किया। अब एक ही रास्ता है मेरे पास, और वो है तेरी मौत। जीना चाहता है तो एक ही रास्ता है तेरे पास। बोल, राठौड़ साहब का खून किसने किया?
चाहूं तो आपका हर जुल्म सूद समेत लौटा सकता हूं, मगर नहीं। मुझे ट्रेनिंग के साथ साथ यह सबक भी दिया गया था कि दुश्मन को मिटाना और अपनों के लिए मिट जाना, लेकिन यहां कुछ अपने आप जैसे भी हैं जो अपनों को मिटाना ही अपनी शान समझते हैं। कर्नल चौधरी, एक तरफ हमारी पूरी बटालियन और एक तरफ अकेला कमांडो करण सिंह, हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके सर। करण कुनूर के जंगलों में कहीं छुप गया है और हमारी पहुंच से बाहर। हम कुछ नहीं सुनना चाहते, हमें करण सिंह चाहिए, डेड और अलाइव, दैट्स एन ऑर्डर। पापा, आपने करण को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने का ऑर्डर दिया है और मैंने उसके साथ जीने मरने की कसम खाई है, इसलिए मैं जा रही हूँ अपने करण के पास, आपकी बेटी प्रिया। करण, 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 प्रिया, तुम यहाँ? हालात की इस भट्टी में झुलस गया तुम्हारा करण, लेकिन मुसीबतों के इस तूफान में तुम्हें नहीं आना चाहिए था। चोट तुम्हें लगती है कराम, मेरा दिल उठता है, तुम्हारी आंख में तिनका गिरे तो मेरी आंख तड़प उठती है। करण, जिस रास्ते पर तू चल पड़ा है उसका अंजाम जानता है? सर पर कफन बांध लेने के बाद अंजाम की परवाह नहीं होती। मुझे अपने माथे पर लगे हुए कलंक के साथ साथ देश के उन दुश्मनों को भी खत्म करना है जो मेरे आसपास मंडरा रहे हैं। अगर तूने ये क्या बचपना किया बेटे, घर से भागकर तूने अच्छा नहीं किया। चल, मैं तुझे ले जाने के लिए आया हूं। पापा ठीक कहते हैं प्रिया, यूं भी मेरे साथ कदम कदम पर मुसीबतें हैं। नहीं, मैं तुम्हें मुसीबत में छोड़ के नहीं जाऊंगी। तुम्हें मेरी कसम प्रिया। क्या नाम है उसका? करण, और वो आप ही के जंगलों में छुपा हुआ है। और अगर उसने ये साबित कर दिया कि राठौड़ का खून मैंने किया है तो अपना बनता हुआ खेल बनने से पहले बिगड़ जाएगा। यही तो गड़बड़ है कि मुझे गड़बड़ बिल्कुल पसंद नहीं। तू फिक्र मत कर, मैं उस गड़बड़ को खत्म करवा दूंगा। जिंदा बच गया और कहीं उसने ये साबित कर दिया कि इस राठौर का खून उसने नहीं विक्रम ने किया है तो कुबड़ा का सारा प्लान चौपट हो जाएगा और विक्रम हिंदुस्तान के सीक्रेट्स की वो फाइल भी कुबड़ा तक नहीं पहुंचा पाएगा। इस फाइल का कुबड़ा को करोड़ों रुपया मिलने वाला है, इसलिए ढूंढो उसे, यहीं कहीं होगा। चलो ।
जरूर करण ने इसे मारा होगा। ढूंढो उसे। आदमी है तू? किस देश के लिए जासूसी करता है? बोल, यहां क्या सीक्रेट्स लेने आया है? क्या कर्नल हमारे डैन की तरफ आ रहा है? जी हां सर, अगर कर्नल हमारे हाथ आ गया तो वो फाइल भी खुद ब खुद हमारे पास आ जाएगी। जब कर्नल हमारे हाथ आएगा तभी तो फाइल हमारे हाथ आएगी और तब शुरू होगी हमारी गड़बड़। वेलकम कर्नल साहब, वेलकम। कहो तुम? अंग्रेजी में टेररिस्ट, हिंदी में आतंकवादी। ईमानदारों की ईमानदारी, वफादारों की वफादारी का टेढ़ापन, यानी कि खूब निकालता हूं, इसीलिए कुबड़ा के नाम से जाना जाता हूं। क्या जबरदस्ती है? आखिर चाहते क्या हो तुम? फाइल। फाइल?
वो कॉन्फिडेंशियल फाइल जिसमें ये राज छुपा है कि दुश्मन देश के जासूस और कमांडर्स जिन्हें तुमने कैद करके छुपा रखा है कहां छुपा रखा है, वो फाइल जिसमें ये राज छुपा है कि तुमने बारूद कहां कहां बिछा रखा है और असलाह कहां कहां छुपा रखा है, वो फाइल जिसके जरिए हिंदुस्तान पर फिर से हुकूमत की जा सके और इसे फिर से गुलाम बनाया जा सके, वो फाइल। लेकिन तुम्हारे क्या काम आएगी वो फाइल? यही तो गड़बड़ है। इतना भी नहीं समझते कि वो फाइल मैं सिर्फ 575 करोड़ रुपए में बेचूंगा? अबे हरामजादे गद्दार, अगर तू मेरे बदन के 500 टुकड़े भी कर दे तो मैं तुझे वो फाइल तो क्या, मैं उस फाइल का 500 करोड़वां हिस्सा भी ना दूं। मालूम था मुझे तेरा ये जवाब भी मालूम था, क्योंकि हर हिंदुस्तानी अकल के सुर कम छेड़ता है और नमक का ढंडोरा ज्यादा पीटता है। यही तो गड़बड़ है कि तेरे इस जवाब का जवाब भी है मेरे पास। जवाब कर्नल की खूबसूरत कमजोरी। तेरी धमकियां मेरी वतन परस्ती को ठगमगा नहीं सकती कुबड़ा। मेरी बेटी को हाथ लगाने से पहले ये जरूर सोच ले कि अगर पासा पलट गया और बाजी मेरे हाथ लगी तब क्या हो। अभी तक तो तू सिर्फ नाम का कुबड़ा है, तब आने वाले हर जन्म में तेरा जस्म भी कुबड़ा होगा। विक्रम, यही है वो कर्नल तुम्हें मेहरबानी की रस्सियों में जकड़ने वाला। यू ब्लडी ट्रेटर, गद्दार कहीं गए? यो विक्रम, यही है ना वो मन मोहिनी मेनका तुम्हारी नियत को गड़बड़ाने वाली? हाँ कुबड़ा, आखिरी मौका है कर्नल, सोच ले, फाइल आए या इज्जत जाए। विक्रम, नमक हराम कुत्ते, तू ऐसा नहीं कर सकता। ए, जबान को लगाम दे हरामजादे। साला अर्दली, इस फाइल की खातिर जब मैं अपने ही हाथों अपने अंकल राठौड़ का खून कर सकता हूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। यू बास्टर्ड। विक्रम, कर्नल वो फाइल तो नहीं देगा, खोल डाल कर्नल की ये फाइल, पटाले से। डोंट यू डेयर यू बास्टर्ड। छोड़ दे उसे। अरे तुझे फाइल चाहिए ना, मैं तुझे ला कर दूंगा वो फाइल। अकल के सुर अब बचे। तुम देश से गद्दारी करोगे भगत सिंह? गद्दारी वफादारी मुझे कुछ याद नहीं, प्रिया की इज्जत इस देश की इज्जत है। कुछ गड़बड़ तो नहीं करोगे नमक हलाल? बेटी की इज्जत और साहब जी की जान गिरवी रखकर जा रहा हूँ। लेकिन तुम्हें उस फाइल के बारे में क्या मालूम? 20 बरस तक साहब जी की सेवा की है, ये कहाँ और किस वक्त कितनी सांसें लेते हैं मैं बता सकता हूँ? 2.5 घंटे की मोहलत देता हूँ, 12 बजे तक आ गए तो ठीक है, वरना गड़बड़ ही गड़बड़ है। मैं फाइल लेकर आता हूँ। अकेला चला गया, यही गड़बड़ है, तुम उसका पीछा करो, जाओ। किसको बुला रहा है तू? वो मैं। जल्दी बता नहीं तो गोली मार दूंगा।
कौन थे ये लोग? कुबड़ा के आदमी है। कुबड़ा संकट है इस देश के लिए। संकट? उसने मुझे वो फाइल लेने को भेजा है जिसको हासिल करने के बाद वो इस देश को गुलामी की जंजीरों में जकड़ देगा। और अगर 12 बजे तक मैं वहां फाइल लेकर नहीं पहुंचा तो वो सांप जी और प्रिया को मार डालेगा। तब तो फाइल वहां पहुंचानी पड़ेगी पापा। आप फाइल लेके पहुंचिए, मैं आपको वहीं मिलूंगा। अब हम हिंदुस्तान को फिर गुलाम बनाएंगे। गुलाम बनाएगा। सिर्फ 5 मिनट बाकी है, उसके बाद गड़बड़ ही गड़बड़ है। ऐसे गद्दार और बुजदिलों की वजह से हम जैसे लोग हिंदुस्तान हिंदुस्तान यानी कि भारतवर्ष पर राज करेंगे। विक्रम, अगर फाइल नहीं आई तो तू इसके साथ कुछ भी गड़बड़ कर सकता है। कुबड़े की ठाट ठाट ठा गड़बड़ है। हरामजादे, असली फाइल कहाँ है? असली फाइल वो रही। देख और पढ़ इस फाइल को, तेरा विनाश ही विनाश लिखा है। चाहूं तो तेरे सीने में सुरंग बना सकता हूं, मगर नहीं। उससे पहले प्रिया, कर्नल साहब और मेरे पापा पे किए गए हर जुल्म का हिसाब चुकाना है तुझे। कमांडो,
भेज दे गन वरना तेरे बाप को गोली मार दूंगा। अरे साहब जी वट निशाना। थैंक यू भगत सिंह। अर्दली का हाथ नहीं हथौड़ा है। नहीं करण, यह आदमी मुझे जिंदा चाहिए। तेरी मौत उसी कर्नल के सामने होगी जिसे तूने बांध के रखा था। मार इसको। गोली मेरी तरफ से ही मार। वाह, तूने ये जगह मेरे देश को बर्बाद करने के लिए बनाई थी ना कुबड़े, अब देख मैं ये जगह कैसे बर्बाद करता हूं। हमारे देश के सीक्रेट की फाइल चाहिए थी ना, अब जिन लोगों के लिए तू काम कर रहा है अब तू हमें उनके सीक्रेट की फाइल देगा। नहीं, नहीं, छोड़ दो मुझे। अपनी मां को दुश्मन के हाथ बेचने वाले गद्दार, वेल डन सन,
भगत सिंह, तुम्हारा बेटा कितना बहादुर, महान और ऊंचा, और हम इसे हमेशा छोटा समझते रहे। असल में इंसान छोटा या बड़ा नहीं होता, सिर्फ उसके विचार छोटे बड़े होते। आई एम सॉरी करण, आज तुम्हें यह तमगा देके सिर्फ मुझे ही नहीं, सारे हिंदुस्तान को तुम पे फख्र है। आई एम प्राउड ऑफ यू माय सन। थैंक यू सर। सर, वाह वाह वाह, क्या सल्यूट किया है। ऐसा लग रहा है भगत सिंह कि तुम्हारे अलावा किसी और को सल्यूट मारना आता ही नहीं। आज मेरा दिल कर रहा है कि तुम्हारी भावनाओं को सल्यूट करूं।